नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले कुछ कट्टरपंथी लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा ही मोहब्बत है। यही वजह है कि वे कभी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में बरेली के भुत्ता थाना क्षेत्र के गाँव सिंघाई में सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में राशन दुकानदार की ओर से पाकिस्तानी गाने बजाने का मामला सामने आया है। बरेली में भुत्ता थाना क्षेत्र में एक राशन विक्रेता अपनी दुकान पर अक्सर ऐसे गाने सुनता था जिसमें पाकिस्तान का महिमा मंडन हो। आरोप है कि दुकानदार गुरुवार को भी वही गाने सुन रहा था जिसमें बीच बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जब क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो वह उन्हें धमकाने लगा। मामले में गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला मंत्री और बीजेपी के जिला महामंत्री शिव प्रताप सिंह रिंकू ने इसकी शिकायत एडीजी बरेली राजकुमार को की। एडीजी ने जांच के आदेश दिए। जांच में वीडियो को आस पड़ोस के लोगों ने सही बताया और इस आधार पर आरोपी दुकानदार पर मुकदमा दर्ज हो गया। राशन की दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने सुनने वाला एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदूवादी नेता भी विरोध पर उतर आए। हिंदूवादी कार्यकर्ता आशीष पटेल ने बताया कि दुकानदार बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने लगा रहा था। जब मुस्तकीम से कहा कि पाकिस्तान हमारे देश पर आतंकी हमले करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसके जिंदाबाद के गाने क्यों सुन रहे हो? आरोप है कि इतना सुनते ही मुस्तकीम ने आवाज और तेज कर दी। इसी पर नोकझोंक होने लगी। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर दिया। आशीष ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इंटरनेट वायरल कर दिया। के गांव में एक दुकान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का एक गाना बजाया जा रहा था। इस संदर्भ में शिकायत पर थाना भुत्ता में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस संदर्भ में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कराए जा रहे हैं। जिन दो लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है उन पर साक्ष्य संकलन के आधार पर शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।